हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग निकलेंगे। आज का जो प्लान है बता देता हूँ आपको। आज का प्लान है, आप मेरे को पैसा उठाना है, उठा के दुकान पे जाना है। जाने के वहाँ पे कुछ मेला चल रहा है, जो हम लोगों से लिया है, जो चांदा लिया है, वो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोगों को हर ऑल फैमिली को बुलाया है उधर खाने के लिए। तो हम लोग जाएंगे, कोई कोई जाएगा, ओम उसका मम्मी तो हमारे साथ जाएगा। तो बाकी मैं पैसा निकाल के आता हूँ और ये लोगों को लेके चलता हूँ दुकान पे। और वहाँ पे ही एक भगवान का पूजा चल रहा है, जो महोत्सव चलेगा, तो वहाँ पे ही हम लोग आज खाना पीना करेंगे दोपहर का। तो अभी खा के रेडी होके निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी चाय आ गया है तो चाय पी लेते हैं थोड़ा, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं चाय पीते पीते। लोन जो मिला, हम लोग गए थे लोन के लिए, वो 30,000 में से 28,000 कुछ कट के, इंश्योरेंस जो सब हेल्थ मेडिक्लेम ऐसे कुछ करके पैसे कट गया, प्रोसेसिंग चार्जेस पे करके 28,000 मिला, 30,000 में 28,000 मिला। ठीक है, तो उसी में से एक प्रिंटर विंटर खरीद लेंगे और बाकी दुकान पर काम पे लगा देंगे। ठीक है, तो कोई जाएंगे पैसा उठाने के लिए। और यहाँ पे ओम रेडी है, छोड़ दो छोड़ दो। ओम हे ओम, ओम हाय कर दो, टाटा हाय। हाय ऐसे करके, हाय जोरे बोलो, मुरे मुखे मुखे बोलो, हाय बोलो बोलो हाय। ओम को शर्म आ रहा है, अभी थोड़ा बड़ा आएगा तो वही कर पाएगा, मेरा वीडियोस को वही कंप्लीट करेगा। ठीक है पापा, हाय बोलो, हाय हाय गाइज, पापा हाय गाइस बोलो बोलो, हाय गाइस बोलो, पापा बोलो मुखे बोलो, हाय गाइस बोलो, हाय गाइस। हाय हाँ, ठंडा बारिश होने के बाद ठंडा जोर से लगा यार, तो अदरक वाली चाय ही सबसे बेस्ट होगा। अदरक और कुछ अगर है आपके घर में उसी तरह का चाय, और गाइस, जो लिकर चाय होता है उसी में देने से बेहतर होगा, क्योंकि एक लिक्विड की तरह आपको पानी मिल गया है, जिसमें से ये सब मिला के एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया। तो इसको पीने से ही आपका बेहतर होगा, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और चाय जो हम पी लेते हैं खाली दूध दे के, दूध वाला चाय, उतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन लिकर चाय अगर आप ये सब कर सकते हैं घर में मिला के, तो एक लिक्विड की तरह हो गया, जहाँ पे आपका तबीयत की तरफ से तबीयत के लिए लाभ देगा। ठीक है, तो उसी का थोड़ा पी लेते हैं जल्दी जल्दी, बिस्किट रचना नहीं, चाय के साथ बिस्किट। चाय के साथ बिस्किट लेने से फायदा ये होता है, आपको भूख थोड़ा कम लगता है, क्योंकि अभी दोस्तों मैं चाय पी रहा हूँ, टाइम आप कितना देख सकते हैं, 8:05। ठीक है, उठ के थोड़ा एडिटिंग किया था, अभी इसको जो अपलोड पे बैठा देंगे, तो उसके बाद ये वीडियो आज का लिए बनाएंगे। ठीक है, दोस्तों अभी चलिए खाना खाने चलते हैं, क्या क्या है देख लेते हैं पहले खाने के लिए। अभी क्या है, खाना हो गया रेडी, और इधर खाएंगे आज मूढ़ी, क्योंकि ठंडा लग गया, कल बारिश की वजह से तबीयत थोड़ा उतना ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा दर्द कर रहा है, तो इसीलिए मूढ़ी खा लेंगे। और भात नहीं खाएंगे, क्योंकि तबीयत थोड़ा उतना ठीक नहीं लग रहा है। अभी ये है खीर, और ये है मूढ़ी, ये है कुछ आलू भाजी, और ये है मिठाई, और ये है स्पेशल, इसका नाम क्या बोला जाता है। चलिए चलते हैं, खाना खा लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले पानी ले लेते हैं इसमें मूढ़ी में।
दोस्तों अभी खाना खाना शुरू हो गया और यहाँ पे है मुड़ी खीर और यहाँ पे अब तो जानते ही हैं इसको मालपा बोलते हैं। ठीक है मालपा। दोस्तों ये एक बात ध्यान रखिए, कभी खाना खाने का टाइम खीर और प्याज कभी मत खाइएगा, ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। मतलब दूध के साथ आप कभी प्याज को मत खाइए, दूध के साथ प्याज खास करके खट्टा चीज ये सब कभी मत खाना। तो बोला जाता है कि गाय दूध नहीं दे पाता है, ये अंधविश्वास है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, जेनुइन नहीं है। जेनुइन ये है आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये रोग धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है कभी भी दूध के साथ प्याज मत ट्राई कीजिए। और अभी जो खाने का तरीका है ना, बहुत लोग खा रहे हैं कि खीर मलाई के साथ चिकन, ये हाँ डिश तो आप बना लेते हो, बहुत सारा बना लेते हो, लेकिन बाद में पता चलता है जब कोई दारू पीता है, जब कोई सिगरेट पीता है, तो तब आपको उसको उस टाइम कैंसर नहीं होता है। ठीक है बाद में होता है, तो बाद में पता चलता है, कुछ भी गलत करता है तो उसका इफेक्ट बाद में पड़ता है। तो अब वो ये मत समझिए अभी 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 तो खाया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं होगा, वो बाद में होगा। तो मैं भी मानता हूँ, तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप भी मान सकते हैं। अभी ओम निकल चुका है, जाएगा उधर, मेला चल रहा है उधर, उधर खाने के लिए देगा दोपहर में। तो अभी ओम रेडी, चलो ओम टाटा करो, टाटा टाटा करो, टाटा, चलो आओ। अभी हम निकल रहा है तो अभी जाके उधर बात करते हैं दुकान पे। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, वो जो कैमरा का माइक है ना वो छूट गया है, इससे नहीं होने वाला है। ठीक है तो अभी वो जो वहाँ पे कैमरा बैठेगा, तो उधर जो मेला लग रहा है हम लोग कैमरा बैठाएंगे, तो उधर लगेगा आपका माइक। तो वो माइक मेरे पास है, स्टैंड तो दुकान पे था वो ले लिया, लेकिन माइक लगेगा। तो माइक लेने के लिए घर जाना पड़ रहा है फिर, तो उसके बाद फिर जाएंगे मेला पे। तो अभी थोड़ा गुपचुप वाले के साथ भेड़ हो गया, तो यहाँ पे मेरा सुरेंद्र भाई वो गिव गुपचुप खा रहा है। तो कैसा लग रहा है गुपचुप आपको? बढ़िया 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 लग रहा है। तो ठीक है हाय गाइस, हम अभी जा रहे हैं माइक लाने इतने जाके घर पे, और शूटिंग होगा हमारा। ये देखिए हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, 10 किलोमीटर जाना पड़ा, बहुत तकलीफ हुआ। अच्छा ठीक है देखिए दोस्तों गुपचुप खा रहे हैं। ओम हाय, चलो यार हमें खाओ, अब 10 टका तुलो। अरे स्पेशल गुपचुप हमारा एरिया का। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं खाना खाने, इधर जो मेला लग रहा है उसी में। तो यह देख सकते हैं कितना लोग है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। तो आपको दिखाते हैं पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पे लाइन देके खाना पड़ेगा। ठीक है नहीं तो नहीं मिलेगा। Yeah.
कोडेड है देखिए तुम्हारा व्यूअर बढ़िया लग रहा है कार किन भाई दे दे दोस्तों अभी खाना खाने आ गए हैं और यहाँ पे चल रहा है सीरियल और अभी खाने पे क्या है देखते हैं। ये खाने के लिए रोटी और आलू का तरकारी आलू दम। तो गाइस अभी बजा 8:33 तो मैं अभी घर पर हूँ फिलहाल क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब है क्योंकि इधर थोड़ा बुखार चढ़ गया और यहाँ पे गले पे थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है शायद ठंडा लग गया होगा उस दिन बारिश में मैं 4 बजे नहाया था। ठीक है इसीलिए मेरा तबीयत थोड़ा वीक है। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे तो इसी में ही रख देंगे। तो ये लोग वीडियो देख रहा है ओम और बुबू देखिए गुस्सा हो जा रहा है उसका जो बंद है कार्टून इसीलिए वो गुस्सा हो जा रहा है। तो आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।